हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्लीप विथ शोल्डर एंड नेक पेन। आपको नेक पेन के लिए तो मैंने पिल्लो कैसे सिलेक्ट करना है वो पिछले वीडियो में बना दिया था। अब फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को पता नहीं लगता कि शोल्डर को किस पोजीशन में रखूँ या शोल्डर पेन में हम किस तरह से सोएं, ये पता नहीं लगता उनको, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सर्वाइकल पिल्लो को हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे ऑर्डर दिए और इसका वीडियो भी आपने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया था और उस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स थे हमें बताने के लिए कि इस पिल्लो की और सारे बहुत सारे यूजेस बताइए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा और साथ में इस पिल्लो को शोल्डर पेन में कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शोल्डर पेन के पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उसको किस तरफ सोना चाहिए और अगर सोना चाहिए तो उसका जो शोल्डर है, आर्म है, वो किस तरह से प्लेस होनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली सो सके बिना पेन के। तो यही हम आप दो पिलोज में आपको डिफरेंस दिखाएंगे कि ये जो हम नॉर्मल पिलो यूज़ करते हैं तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और ये सर्वाइकल पिलो क्यों यूज़ करना चाहिए, जो हमारा नेक पिलो है सर्वाइकल पिलो, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए ताकि शोल्डर के पेशेंट भी इसको ईजिली यूज़ कर सकें बिना पेन के। तो अब सबसे पहले देखते हैं जो हम नॉर्मली पिलो यूज़ करते हैं घरों में, इस तरह से रखा। अब मान लीजिए मेरे को लेफ्ट साइड शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट साइड शोल्डर में एक तो वैसे ही हम मना करते हैं कि इस साइड नहीं सोना चाहिए, पर फिर भी कईयों को आदत होती है एक पर्टिकुलर साइड पे सोने की। अब मान लीजिए हम इस पे सो रहे हैं तो क्या होता है, जब ये शोल्डर है मेरा ये पिल्लो के ऊपर आ जाता है, इसके लिए स्पेशल कोई जगह नहीं होती और ऊपर से हमारे हेड का वेट, जो नेक का वेट है, वो भी आ जाता है। अब यहाँ तो हम अपने शोल्डर को इस तरह से हाथ के इसके नीचे रखेंगे अपने, एक तो नेक को बचाने के लिए क्योंकि नेक ऑलरेडी स्लांट हो गई है और ये टेढ़ा हो गया कब, इससे नेक पेन भी होती है। और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से बाजू को नीचे रखेंगे। अब ये एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन में चली गई है जिससे ये कैप्सूल और टाइट हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर बनने का खतरा बढ़ जाता है, और वैसे भी पेशेंट को इस रेंज से ज़्यादा तो उससे जाया नहीं जाता, तो वो आर्म को या तो ऐसे रखता है और या सोचता रहता है कि किस तरह से रखें। अब उस नॉर्मल पिल्लो के कंपैरिजन में हमें ये सर्वाइकल पिल्लो जो हमारा शोल्डर के लिए भी, ये देखिए ये कर्व हमने शोल्डर के लिए दिया हुआ है, इसीलिए दिया है ताकि जो शोल्डर है वो प्रॉपरली इसके अंदर प्लेस हो जाए जब भी पेशेंट ने इस तरह से सोना है। अब देखिए ये शोल्डर पूरा प्लेस हो गया इसके अंदर। अब क्या हुआ, हमारा जो हेड है उसके लिए प्रॉपर ऊंचाई उतनी बनी हुई है कि हमारा जो हेड या नेक है वो शोल्डर पे प्रेशर ना दे, और शोल्डर के लिए देखिए पूरा कर्व है, अब शोल्डर इसके अंदर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, जब हमने इस तरह से सोना होता है तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला एरिया यूज़ करेंगे ताकि हमारे कईयों को हाथ रखने की प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे शोल्डर आ गया, यहाँ पे उसका हेड आ गया और यहाँ पे इजीली उसका हाथ, अगर उसने ऊंचा रखना है तो इस जगह पे, अगर यहाँ पे रखना है तो भी उसको कंफर्टेबल अपनी रेंज के हिसाब से, तो शोल्डर वाला पेशेंट इस तरह से सो सकते हैं। सेकेंडली, कईयों को आता है हाथ लंबा रखने की आदत, तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना हाथ जो है वो पूरा लंबा भी प्लेस कर सकते हैं, तब भी कोई मुश्किल नहीं आई, पर उनको इस एरिया की बजाय इधर सोना पड़ेगा अगर हमने हाथ को इजीली प्लेस करना है, क्योंकि शोल्डर वाले पेशेंट के लिए इससे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन और कोई नहीं हो सकती, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर है चाहे रोटेटर का इंजरी है। सिर के लिए प्रॉपर जगह बन गई, उसका हेड का वेट जो है वो शोल्डर पे नहीं पड़ रहा क्योंकि शोल्डर इसके अंदर गया हुआ है, और पूरा जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वो नेक के लिए दिया हुआ है, और नेक भी उस हिसाब से ऊंचाई है आपकी, अगर आपको ये वाली चीज़ ज़्यादा ऊंची लगती है फिर आप क्या कर सकते हैं, इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये उससे थोड़ा सा नीचे हो गया और शोल्डर के लिए फिर से आर्म के लिए प्रॉपर जगह बन गई, ये भी शोल्डर के लिए जगह बनी हुई है। तो हर जगह में हमें शोल्डर फिक्स करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए प्रॉपर हमारा कर्व बना हुआ है। सेकेंडली, हमारा जो नेक है वो शोल्डर पे वेट नहीं देगा, हेड वेट नहीं देगा, तो उस पर और कोई ज़्यादा वेट नहीं आएगा जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारा नॉर्मल पिल्लो और इस पिल्लो में, क्योंकि इसमें प्रॉपर शोल्डर के लिए जगह बनी हुई है जो कि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होती थी, एक बार शोल्डर नीचे रखने के लिए और दूसरा हाथ को प्लेस करने के लिए, तो दोनों पर्पस इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब मान लीजिए लेफ्ट शोल्डर का प्रॉब्लम था तो हम अवॉइड करते हैं कि लेफ्ट साइड पे पेशेंट को ना सोना पड़े, तो उसको राइट साइड पे सोना एडवाइस करते हैं। तो राइट साइड पे जब वो सोता है तो यहाँ तो क्या करते हैं, इस तरह से उसका जो हाथ है वो लेफ्ट वाला वो इस तरह से आगे आ जाता है जिससे उसका इंटरनल रोटेशन हो जाती है और ज़्यादा आगे को आने की वजह से उसको फिर से पेन शुरू हो जाती है। यहाँ तो वो हाथ इस तरह से रखे, बीच में टॉवल रोल रख ले, मैंने एक वीडियो में बताया था यहाँ पे एक टॉवल रोल रखे, पर हाथ ऐसे रखना चाहिए पड़ेगा, पर कई बार सोते सोते पता नहीं लगता हाथ ऐसे ही बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो ये ज़्यादा रोटेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसके ऊपर हाइट नहीं है, तो इस तरह से सोना भी मुश्किल होता है। और कई बार जो नेक का हमारा प्रॉब्लम है वो इस तरह से लटकी रहती है, तो क्या होता है, पेशेंट को अपनी शोल्डर और ये नेक है इसका एरिया बैलेंस करने के लिए अपने पिल्लो को इस तरह से रखना पड़ता है जब उसने साइड पर सोना होता है, या वो एक कुशन ऐड कर लेता है
जबकि दूसरे पिलो में जो सर्वाइकल पिलो है हमारा, उसमें क्या है, उसमें प्रॉपरली मान लीजिए पेशेंट को प्रॉब्लम थी लेफ्ट में, तो उसको राइट में फिर से इस जगह पे सोना है, शोल्डर उसका पूरा आ गया, राइट वाला हैंड इस तरफ और जो लेफ्ट वाला हैंड है बाई चांस अगर उसका इस तरह से नहीं भी रखा जाता तो इस जगह पे उसको सपोर्ट मिल जाएगा ऊंचा, जो कि उस पिलो में बिल्कुल फ्लैट पार्ट आ जाता था आगे को, इसमें उसको ऊपर रख सकता है इस तरह से सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो शोल्डर है अब इस तरह से सपोर्टेड है, हेड भी सपोर्टेड है, क्योंकि उसमें हमें ऐड करना पड़ा था, इसमें हमारे पास ऑलरेडी हाइट है, ये नीचे वाली हाइट, ये ऊपर वाली हाइट, ताकि हमारे एक और पिल्लो या क्वेश्चन ऐड ना करना पड़े, क्योंकि जिनका ये डिस्टेंस होता है अपना नेक और ईयर और शोल्डर का जो डिस्टेंस होता है, इसको मेंटेन करने के लिए हमने हाइट ऊंची रखनी पड़ती है पिल्लो की, ताकि वो जो इजीली उसको बैलेंस हो सके उसकी हाइट। तो इस तरह से सोना चाहिए हमारे शोल्डर पेन और नेक पेन वाले पेशेंट को, ताकि प्रॉपर उसका कर्वेचर जो है वो सेट हो जाए। तो इस पिल्लो को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ सर्वाइकल बॉल का भी हमने कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है और ऑफर लगा हुआ है सर्वाइकल बॉल के साथ, तो उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं साथ में ही, क्योंकि ये दोनों कॉम्बो में आप ले सकते हैं, सर्वाइकल बॉल और सर्वाइकल पिल्लो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको भी शोल्डर और नेक की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सोने की प्रॉब्लम तो सबको है, पिल्लो कैसा लेना है उसके लिए वीडियो बना हुआ है कि हाउ टू सेलेक्ट अ पिल्लो, वो भी जाके आप, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि पिल्लो की प्रॉब्लम तो सभी लोगों को है, सोने में तकलीफ होती है, अपना बाकी एरियाज़ में जो प्रॉब्लम आ रही है नेक में अपर बैक में, वो भी इससे सॉल्व हो सकती है। तो इसको नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे किस किस तरह का हमारा पिल्लो है और किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।